नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस साल यानी 2022 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण गर्भवती महिला पर क्या दुष्प्रभाव डालने वाला है, कौन से राशि वाले गर्भवती पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, इस सूर्य ग्रहण से गर्भवती कैसे बचेगी, ग्रहण से बचने के लिए कौन कौन से उपाय गर्भवती को करना चाहिए। तो दोस्तों, इस साल 2022 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण जो अप्रैल के आखिरी में यानी 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को लगने वाला है, वो एक गर्भवती के लिए कौन से दुष्प्रभाव को सामने लाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बारीकी से जानते हैं इस साल लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण के बारे में। अगर इस महीना यानी अप्रैल को हम ज्योतिष दृष्टि से देखते हैं तो बेहद अहम माना गया है, क्योंकि सारे ग्रह जिसे हम नवग्रह भी कहते हैं वो इस महीने अपना अपना राशि को परिवर्तन कर रहा है। वैसे भी ज्योतिष गणना के अनुसार 30 अप्रैल को शनिवार दिन वृषभ राशि के समय ग्रहण लगने वाला है, जो रात के यानी मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल उठना तो लाजमी है कि ये ग्रहण तो रात में लगने वाला है तो ये गर्भवती पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्भवती को तो कुछ नियम को तो अपनाना ही होगा और वो नियम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, क्योंकि ये कोई चंद्र ग्रहण नहीं है, ये समूचे धरती को प्रकाशित करने वाला सूर्य ग्रहण है और आपको इससे बचने के लिए कुछ नियम का तो पालन करना ही होगा। वैसे तो ज्योतिष के अनुसार जहाँ पर ये ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए होता है और ग्रहण के समय ग्रहण दिखे या ना दिखे लेकिन गर्भवती महिला को कुछ नियम का पालन करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको बता देते हैं कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखने वाला है, फिर हम आपको बताते हैं गर्भवती को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के दक्षिण और पश्चिम हिस्सा से लेकर प्रशांत महासागर और अटलांटिका में पूरे एरिया में साफ साफ दिखाई देने वाला है। अब चलिए हम आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले गर्भवती मध्य रात्रि यानी 12:15 से लेकर 4:07 तक घर से बाहर ना निकले। वैसे भी भारत में रात का वक्त रहेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गर्भवती के शरीर पर ग्रहण की रोशनी पड़ने से गर्भ पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको रात के समय भी मलमूत्र त्याग के लिए नहीं निकलना है। दूसरा है, ग्रहण के समय गर्भवती महिला कोई भी खाने का वस्तु का इस्तेमाल ना करे और कोई फल या सब्जी को भी ना काटे, और सुबह जब आप बिस्तर छोड़े तो सर्वप्रथम स्नान कर सूर्य देव को जलाभिषेक करें, फिर अपने कार्यकाल में जुटें। फ्रेंड्स, ये सभी जानकारी ज्योतिष के अनुसार है और आप अगर गर्भवती हैं और आप मेरे इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और किसी भी प्रकार के परेशानी जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड, गठिया साइटिका या बांझपन या कोई भी असाध्य रोग हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के सहायता से शेयर करें, हम पूरा कोशिश करेंगे समाधान बताने के लिए। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने करीबियों के पास शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।